हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं ओम फ्लो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि ओम फ्लो क्या होता है। तो ओम फ्लो हम इजी वे से समझेंगे, ठीक है। तो ओम फ्लो क्या होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। क्या कहता है कि करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए, जैसे हमने 10 वोल्ट की बैटरी यूज करी तो ज्यादा करंट बनाएगी, 5 वोल्ट की यूज करेंगे तो कम करंट बनाएगी। तो मतलब जितना करंट बनेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस कितना है। अब हम क्या लिख सकते हैं, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब कई बच्चों को डाउट क्या आता है कि हम अगर ऐसे लिखते आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी तो हमने यहाँ पर आर क्यों नहीं लगाया। हम यहाँ पर आर इसलिए नहीं लगाते क्योंकि यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर हमारी कंडक्टेंस आएगी, वो हम आगे देखेंगे। जैसे हमने क्या करा, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिखा तो वी इज इक्वल टू आई आर होता है। वी इज इक्वल टू आई आर, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, वीर, हमें कैसे याद रखना है, वीर से हम हमेशा याद रख सकेंगे ओम्स लॉ को। अब अगर हम ऐसे लिखते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी तो यहां पर अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते तो आर नहीं आता, यहां पर क्या आता, जी आता। अगर हम लिखते हैं ना आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी तो आई यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी की जगह जी आता, जो हमारी क्या होती है, कंडक्टेंस, विच इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और ये हमारा क्या होता है, ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।